हेलो एवरीवन, आई एम सी पिंटू गुप्ता एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। जी दोस्तों, जैसे कि चैप्टर का नाम है स्मॉल, आप समझ गए हो नाम से कि यहाँ पर जो बिजनेस या फिर इंडस्ट्री होने वाली है वो स्मॉल मतलब छोटे तौर पे होने वाली है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं विद द टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन। राइजिंग पॉपुलेशन मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जी दोस्तों, जैसे कि आप समझ सकते हो कि अपने इंडिया में जो जनसंख्या यानी कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, तो इस तेजी से बढ़ते हुए पॉपुलेशन को कैसे हम अपने बिजनेस को कैसे अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग मोर सीरियस इन इंडिया। जी दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि अपने इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी हिसाब से अपना अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो भी बढ़ती जा रही है, तो ये बहुत ही सीरियस है इंडिया के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जी दोस्तों, यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है मतलब जो छोटे बिजनेस वाले जो लोग हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंडिया। इन सच टाइप ऑफ डेवलपिंग कंट्री वेयर देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ लेस कैपिटल एंड मोर मैन पावर। जी दोस्तों, यहाँ पर जो बात की गई है लेस कैपिटल एंड मोर मैन पावर। जी दोस्तों, आप समझ सकते हो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है एंड यहाँ पर जो है पैसे की कमी है लेकिन जो मैन पावर जैसे पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है आप मैन पावर को यूज़ करके अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर दोस इंडस्ट्री इन विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड सर्विसेज प्रोडक्शन आर डन ऑन स्मॉल स्केल और माइक्रो लेवल। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब ही ये होता है कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो, वहाँ पर जो है आपका जो स्केल ऑफ बिजनेस होगा वो लोअर लेवल पे होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे, जहाँ पर हम समझेंगे कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस को कैसे आप कैटेगराइज, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस है। तो चलिए, इसके दो पार्ट है जिसे आप समझ सकते हो कि आप कोई भी फैक्ट्री में अगर वो पावर का कोई फैक्ट्री अगर पावर यूज़ करती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है एंड उसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर 50 से कम है तो वहाँ पर हम उसको बोलेंगे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। सो दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी है समझ लीजिए जो फैक्ट्री है यानी कि एस्टेब्लिशमेंट है वो पावर का यूज़ करता ही नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस इंडस्ट्री वर नॉट यूजिंग द पावर। तो यहाँ पर जो है आपकी जो एम्प्लॉय की जो नंबरिंग है यानी कि जो काउंटिंग है वो 50 से 100 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप क्लासीफाई कर पाओगे कि ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है दो क्लासिफिकेशन देते हैं जहाँ पर हम एम्प्लॉय के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि वो स्मॉल स्केल है या नहीं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू MSMED। जी हाँ दोस्तों, MSMED जो बिजनेसेस को है तीन पार्ट में क्लासीफाई करता है, फर्स्ट है माइक्रो, सेकेंड है स्मॉल एंड थर्ड है मीडियम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दो टाइप ऑफ बिजनेस होंगे, फर्स्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंड होगा सर्विस सेक्टर। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग लिमिट दी गई है एंड जो सर्विस सेक्टर के लिए वो अलग लिमिट दी गई है। लिमिट किसकी है? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन। जी दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन की लिमिट दी गई है और उसके बेसिस पे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्लासीफाई होगी। फर्स्ट है माइक्रो। माइक्रो के लिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आप ध्यान रखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमेशा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हमेशा कम होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी बिजनेस को क्लासिफाई करना है इन माइक्रो, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो लिमिट दी गई है वो है 25 लाख रुपए और सर्विस सेक्टर के लिए लिमिट है 10 लाख रुपए। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो 10 लाख एंड 25 लाख। जी दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब होता है यहाँ पर आप कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हो मतलब कोई प्रोडक्ट बनाते हो एंड सर्विस सेक्टर में यहाँ पर आपको जैसे मालूम है सर्विस एक इनटेंजिबल इन नेचर होती है मतलब यहाँ पर आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हो जो कि इनटेंजिबल इन नेचर होती है। यहाँ पर हमेशा समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमेशा आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सब ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको मशीन लेने पड़ते हैं, इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं, आपको इंडस्ट्री यूनिट लेनी पड़ती है, यहाँ पर आपके जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यानी कि इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही हो जाती है। तो अगर आपको माइक्रो लेवल में क्लासीफाई करना है कोई भी यूनिट को, तो यहाँ पर जो लिमिट दी गई है 25 लाख है और सर्विस सेक्टर में आपको है 10 लाख रुपीज। अब बात करते हैं स्मॉल एंटरप्राइज। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल में आपकी जो लिमिट है वो 25 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपये तक होगी, 25 लाख से 5 करोड़ के लिए। एक किसके लिए लिमिट है? ये है आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में आप देखोगे 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक, मतलब 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं मीडियम एंटरप्राइज में कैसे क्लासीफाई होते हैं बिजनेस यूनिट।
अगर मीडियम यूनिट की बात करो, यहाँ पर जो लिमिट दी गई है वो है 5 करोड़ से 10 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 5 से 10 ईयर आपकी जो है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन होनी चाहिए। अगर समझ लीजिए 10 करोड़ के ऊपर जो है तो आपका जो है ये मीडियम एंटरप्राइज नहीं क्लासीफाई होगा, वो अलग डेफिनेशन में आ जाएगा। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर के, सर्विस सेक्टर में 2 करोड़ से 5 करोड़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन 2 से 5 ईयर होनी चाहिए, तब आपका जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो क्लासीफाई हो जाएगा मीडियम एंटरप्राइज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है अगर समझ लीजिए आपकी जो लिमिट है वो 5 करोड़ के ऊपर हो जाती है, मतलब आपका सर्विस सेक्टर में डील करते हो और आपकी जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीन अगर 5 करोड़ के ऊपर हो जाती है तो आपको जो है दूसरा डेफिनेशन फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आपको जो है MSMED के हिसाब से आप मीडियम एंटरप्राइज नहीं होगे एंड आप लार्ज लेवल पे या फिर दूसरे लेवल पे आप चले जाओगे। अब मूव ऑन करते हैं डेफिनेशन वाले पार्ट पे, जहां पर हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एनी इंडस्ट्री यूनिट इज रिगार्डेड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। जी हां दोस्तों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SSI के तौर पे पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट आइदर हेल्ड ऑन ओनरशिप टर्म्स और लीज और आयर परचेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है समझ लीजिए आप कोई भी मशीनरी परचेस करो या फिर कोई भी इक्विपमेंट परचेस करो, या तो आप कैश बेसिस पे परचेस करो एज ए ओनरशिप है, या तो फिर लीज बेसिस पे ले लो, या फिर आपके अदर ऑप्शन होता है आप EMI पे समझ लीजिए कोई ट्रांजेक्शन ले, मतलब हायर परचेस पे ले लिए, तो यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट में काउंट हो जाएगा। शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलती है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये चीज़ों में आपका 1 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 1 करोड़ के ऊपर हो गया तो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्लासीफाई नहीं होगा। However, the unit is no way can be owned or controlled or auxiliary for any other industry. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आपकी जो यूनिट है वो दूसरा को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, दूसरा को ओन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, समझ लीजिए कि यहाँ पर समझ टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी को छोटी यूनिट कंट्रोल करती है तो वो जो है वो आपके SSI में क्लासीफाई नहीं होगी। तो दोस्तों, अभी आपको एक डाउट आ रहेगा कि जो ये जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है इतना इंपॉर्टेंस क्यों है एंड इतना जो क्रिटिसाइज क्यों किया गया है इस पार्ट को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि हर सेक्टर का ग्रोथ हो, ये ग्रोथ के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करती है इन टर्म्स ऑफ लोन वो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड सेकंड है मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिशनल मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब अभी के टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल में ज़्यादा डेवलप कर रही है यानी कि ज़्यादा बिजनेस कर रही है। फर्स्ट है हैंडलूम, सेकंड है हैंडीक्राफ्ट मतलब कोई भी हाथ से बनाई हुई चीज़, थर्ड है कॉइल, फोर्थ है सेरीकल्चर एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ये जो 5 इंडस्ट्री थी पहले के ज़माने में ये सब इंडस्ट्री चलती थी, लेकिन अब के टाइम पर अगर बात करोगे तो यहाँ पर चेंजेस आ चुके हैं। अगर आप मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर जो है बाइसाइकिल पार्ट्स हो गए, स्विंग मशीन हो गई, ब्लेड्स हो गए, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गए एंड स्पेयर पार्ट। जी हाँ दोस्तों, स्पेयर पार्ट भी बहुत ही भूमिका निभाता है अपने इंडिया में, जहाँ पर आप देखेंगे आपके जो व्हीकल के स्पेयर पार्ट हो गए, आपके जो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स हो गए, यहाँ पर जो स्पेयर पार्ट में बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंस मतलब बेनिफिट समझ सकते हो कि इंडिया को इससे क्या बेनिफिट मिलता है। सो SSI प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इट बूस्ट द एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड जो आपके सेक्टर है उसको बूस्ट करता है। तो चलिए इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है जॉब अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ पर आपको नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। SSI इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री एंड इट विल क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है SSI होता है वो रूरल एरिया में ज़्यादा होते हैं, मतलब जो गांव खेड़े में है ये सब इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल एरिया को एक जॉब मिल जाता है, एक नौकरी मिल जाती है। बिकॉज इट कैन बी ऑपरेटेड विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, SSI कैन बी रन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल स्किल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर समझ थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है बिजनेस के बारे में तो यहाँ पर आप कोई भी यूनिट स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज बूस्ट फॉर लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप समझिए कि जो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है एंड यहाँ पर जो पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है वहाँ पर अपने जॉब अपॉर्चुनिटी भी उतने ही होने चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड बेनिफिट पे, जहाँ पर हम देखेंगे रीजनल बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, रीजनल बैलेंस मतलब होता है आपके अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया दोनों का बैलेंस होना जरूरी होता है। इन इंडिया ऑल रीजन हैज नॉट डेवलप ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पर जो है आपके बहुत सारे एरिया अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं। SSI कैन बी सेटअप विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपके कैपिटल मतलब होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितना अमाउंट लगेगा तो उसे बोलते हैं कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द बैलेंस डेवलप ऑफ द कंट्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है SSI है वो बैलेंस डेवलप कंट्री में काम आता है, मतलब यानी कि जो रीजनल बैलेंस है वहाँ पर हो सकता है। क्यों?
क्योंकि जो आपके ऐसे से होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं, ये नॉर्मली आपके जो है रूरल एरिया में होते हैं, एंड जो जो आपके लार्ज स्केल के जो इंडस्ट्री होती है वो नॉर्मली अर्बन एरिया में होती है। तो यहाँ पर जो आपका है बैलेंस हो जाता है अर्बन एंड रूरल एरिया के बीच में। थर्ड बेनिफिट है इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन का स्ट्रेंथ मतलब ताकत बढ़ जाती है। किसको लेके? अगर आपका समझ लीजिए प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम आ रही है तो यहाँ पर जो है आप कोई भी जो प्रोडक्ट है वो कहीं भी बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको एडवांटेज मिलता है, बेनिफिट मिलता है, किसका? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा होता है वो कम होता है, क्योंकि रूरल एरिया में जो प्रोडक्ट होते हैं वो कम भाव में मिल सकते हैं। दिस इंडस्ट्री आर लोकली अवेलेबल रिसोर्स विच आर लेस एक्सपेंसिव। जी दोस्तों, यहाँ पर जो रिसोर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन पावर बोलिए, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स बोलिए, यहाँ पर जो आपके रॉ मटेरियल वो भी बहुत ही सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। इंक्रीज टर्नओवर, इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। फोर्थ बेनिफिट है मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। जी दोस्तों, यहाँ पर जो अर्बन एरिया में जो होते हैं जो इंडस्ट्री होती है वो नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा यूज करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर लेबर इंटेंसिव। जी दोस्तों, लेबर इंटेंसिव मतलब यहाँ पर लेबर ज़्यादा खपते हैं। दे यूटिलाइज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम लोकल एरिया। जी दोस्तों, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल मिलते हैं वो लोकल एरिया से ये प्रोक्योर कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्स मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जी दोस्तों, जो अगर नेचुरल रिसोर्स हैं तो उसके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कम हो सकते हैं, क्योंकि जो जो रॉ मटेरियल होते हैं वो सस्ते भाव में मिलेंगे। अगर सस्ते भाव में मिलेंगे तो आपके जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आएगी वो भी थोड़ी कम आ सकती है। फिफ्थ बेनिफिट है रिड्यूस माइग्रेशन। जी दोस्तों, रिड्यूस माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। जी दोस्तों, समझ लिए रूरल एरिया में कोई कामकाज नहीं है, मतलब वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हैं, तो यहाँ पर जो है वो लोग अर्बन एरिया पर प्रीफर करते हैं। लेकिन समझ लिए रूरल एरिया में ही कामकाज मिल गया, रूरल एरिया में कोई इंडस्ट्री सेटअप हो गई, तो यहाँ पर जो उधर के जो लोग हैं वो शिफ्टिंग नहीं होंगे। चलिए इसको डिलीट करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन क्रिएट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, देयरफॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन कैन बी रिड्यूस एंड मिनिमाइज। तो यहाँ पर जो है आपका रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन होगा वो मिनिमाइज हो सकता है, मतलब कम हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट पे, जहाँ पर देखें सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जी दोस्तों, यहाँ पर जो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसको सपोर्ट सर्विस, ऑक्सीजन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर डिपेंड्स अपॉन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जी दोस्तों, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बिजनेसमैन पर डिपेंडेंट है, मतलब जो रॉ मटेरियल जो आते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल स्पेयर पार्ट। जी दोस्तों, अभी समझ लीजिए कोई मारुति सुजुकी की एक कंपनी है, तो मारुति सुजुकी अपने कार बनाती है, तो वो कार बनाने जो कॉम्पोनेंट्स है जो पार्ट्स है वो कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड करते हैं। सेवन बेनिफिट है डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेनर। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है नए बिजनेसमैन को डेवलप करना, नए बिजनेसमैन को आविष्कार करना वो बहुत ही जरूरी है इन अ डेवलपिंग कंट्री। स्मॉल एंटरप्राइज हैव द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट द यंग एस्पिरेंट टू एंटरप्रेनरशिप। जी दोस्तों, हमारे जो इंडिया में जो यंग लोग हैं, अगर यंग लोग को एंटरप्रेनरशिप मतलब बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। देयरफॉर गवर्नमेंट हैज़ टू पे अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो क्रेड। जी दोस्तों, क्रेड एक क्रेडिट बिल पेमेंट एक प्लेटफॉर्म है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखिए एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जी दोस्तों, यहाँ पर फायदे क्या होंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेकर, तो चलिए उसको शुरुआत करते हैं। SSI have always play an important role in the economic development of the country. जी दोस्तों, SSI जो होता है किसी भी कंट्री का SSI होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो चलिए फर्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं, जहाँ पर हम देखें लार्ज एम्प्लॉयमेंट। जी दोस्तों, हमने ऑलरेडी इसको इंपॉर्टेंस में कवर कर लिया, लार्ज एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पर जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही मिलेगी इन SSI। इंडिया इज अ लेबर अबंडेंट कंट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और पोटेंशियल SSI का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मतलब होता है एक ताकत होती है उनके अंदर, क्या? टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑन अ मास स्केल। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है लार्ज जो पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। दे यूज मोर लेबर देन अदर फैक्टर प्रोडक्ट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है लेबर की ज़्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू मशीन एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड एडवांटेज है लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। जी दोस्तों, ऑलरेडी हम इसको हमने कवर कर लिया, लेस कैपिटल मतलब यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी कि आपको पैसे की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। SSI require less capital as compared to large scale industry. जी दोस्तों, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपके बहुत सारे पैसे लगते हैं, मतलब यहाँ पर अगर समझ लीजिए कोई बड़ी आपको यूनिट स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर उसको बहुत ही फंड्स लगते हैं, बट एज कम्पेयर टू SSI यहाँ पर आपको छोटी अमाउंट से आप कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड एडवांटेजेस है यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्स। जी दोस्तों, डोमेस्टिक मतलब अपने इंडिया के रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करते हो एंड उसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज का डेवलपमेंट करते हो।
ऐसे से मेक यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ ग्रेटर एक्सटेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है इनको इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंडिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज है यानी कि रॉ मटेरियल है उसको ये लोग यूज़ करते हैं। फोर्थ एडवांटेजेस है इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आउटपुट मतलब होता है प्रोडक्शन, यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ऐसे से प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल कॉम्पोनेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है ऐसे से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स भी बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट गुड्स भी बनाते हैं, एंड सेकंड है इनडायरेक्ट गुड्स यानी कि इंडस्ट्रियल कॉम्पोनेंट। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप ले सकते हो मारुति सुजुकी के लिए कोई भी स्पेयर पार्ट कंपनी बनाती है उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल कॉम्पोनेंट। द गुड्स आर चीपर एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जी हाँ दोस्तों, इनके जो गुड्स होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के वो थोड़े कम सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय एसएसआई फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो एसएसआई प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ एडवांटेजेस है कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट। जी दोस्तों, जो एसएसआई होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले जो होते हैं वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, मतलब यहाँ पर जो है अपने इंडिया के जो गुड्स है वो मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं। नियरली 40% ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एसएसआई। जी दोस्तों, यहाँ पर जो इंडिया के सारे एक्सपोर्ट में 40% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो एसएसआई का होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का होता है। प्रोडक्ट्स सच एज हॉजरी, नाइटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड ए लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर गुड्स कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली इन इंडिया एक्सपोर्ट। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है ये सारे गुड्स हैं जो इंडिया के एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑल्सो प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय एसएसआई आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय लार्ज इंडस्ट्रीज विच आर एक्सपोर्ट। जी दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल तौर पर ले सकते हो मारुति सुजुकी का। जी दोस्तों, यहाँ पर जो पार्ट्स होते हैं ना, जो इसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो नॉर्मली एसएसआई बनाते हैं, लेकिन जो मारुति सुजुकी है लार्ज लेवल की कंपनी तो यहाँ पर जो है उसको भी सपोर्ट सर्विस देते हैं। सिक्स एडवांटेजेस है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। जी दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी ज़्यादा मिलेगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री बाय एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट टू डिफरेंट कंट्री। जी दोस्तों, यहाँ पर जो ऐसे होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। एट द सेम टाइम दे इम्पोर्ट आर वेरी लेस। जी दोस्तों, यहाँ पर जो इनको इम्पोर्ट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। सेवन एडवांटेजेस है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जी दोस्तों, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो चलिए इसको समझते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री लीड्स टू इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जी दोस्तों, यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनकी जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पर इनइक्वालिटी होती है, मतलब यहाँ पर बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन जब बात आती है एसएसआई की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम की वो बहुत ही अच्छे लेवल पर होती है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड वेल्थ आर मोर इक्विटेबल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल बिजनेस के हिसाब से बात करोगे तो यहाँ पर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो अच्छे परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोलेंगे तो। एट पॉइंट थे अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बिजनेसमैन बनने का मौका मिलता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर विथ लिमिटेड कैपिटल। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगी, अगर समझ लीजिए आपके बहुत ही कम पैसे, तो उसके थ्रू भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे रिक्वायर लेस कैपिटल एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड मशीन एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल। जी दोस्तों, लार्ज स्केल की बात ही अलग है, लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो आप एक पर्टिकुलर छोटी मशीन लेके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नाइन्थ एडवांटेजेस है कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब खर्चे को कम करना। एसएसआई यूनिट कैन अडॉप्ट माइक्रो प्रोडक्शन, मतलब माइक्रो मतलब छोटे लेवल का प्रोडक्शन मेथड विच ऑफर बेटर क्वालिटी। जी दोस्तों, ऑफर क्या कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी, मतलब अगर समझ लिया आप कोई छोटा प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर जो है आप क्वालिटी को लेकर भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एंड मोर वेराइटी एट अ लोअर कॉस्ट, दे आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल बिकॉज देयर एक्सपेंसिस आर लोअर। जी दोस्तों, यहाँ पर जो ऐसे के जो एक्सपेंसिस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल। एंड लास्ट एडवांटेजेस है रिड्यूस माइग्रेशन। जी दोस्तों, इसको ऑलरेडी हमने कवरअप कर लिया है अपने इंपॉर्टेंस वाले पार्ट पे, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ पर हम देखेंगे चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जी दोस्तों, चैलेंजेस का मतलब होता है प्रॉब्लम यानी कि डिफिकल्टीज यानी कि समस्या क्या हो सकती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेकर, तो चलिए इसको रीड करते हैं। इन इंडिया एसएसआई आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम सो दैट देयर इज एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर वर्क। जी दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर प्रॉब्लम होगा, अगर कोई समस्या होगी, तो वहाँ पर जो इसका इफेक्ट है वो अपने काम काज पर हो सकता है। तो चलिए इन सारी प्रॉब्लम को हम वन बाय वन रीड करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जी दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का कम यूज़ किया जाता है, यहाँ पर जो है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं।
जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन. द यूज ऑफ लो ग्रेड टेक्निकल नो हाउ एंड स्किल इज रिजल्टिंग इन टू लो प्रोडक्टिविटी इन मेनी इंडस्ट्री. जी हाँ, सो यहाँ पर जो है अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है अगर वो लो ग्रेड की है, नो हाउ जो आपके लो ग्रेड के, तो यहाँ पर जो है आपके प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट हो सकता है. सेकेंड प्रॉब्लम है इन एडिक्वेट फाइनेंस. जी हाँ, सो इन एडिक्वेट मतलब सफिशियंट फाइनेंस, मतलब अपने पास इतने अच्छे पैसे नहीं, इतने बड़े अमाउंट के पैसे नहीं जिसके थ्रू हम अपने जो बिजनेस को और भी आगे बढ़ा सके. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस सीरियस प्रॉब्लम. जी हाँ, सो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होता है किसको, SSI को फेसिंग बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जनरली SSI बिगिंस विद अ स्मॉल कैपिटल बेस. मेनी ऑफ यूनिट्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर रेज फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट. जी हाँ, सो यहाँ पर जो है इनको फंडिंग के लिए यानी कि फाइनेंस के लिए बहुत ही दूसरे दूसरे मार्केट में मतलब दूसरे दूसरे लोग को रिक्वेस्ट करके फंडिंग लेनी पड़ती है. अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल. जी हाँ, सो यहाँ पर जो है रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा सामान है उसको लेकर भी इसको प्रॉब्लम होती है. अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ SSI इस इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. जी हाँ, तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होता है जो कच्चा सामान होता है वो इनको इजीली नहीं मिलता है. ड्यू टू दैट SSI हैव अ कॉम्प्रोमाइज टू द क्वालिटी. जी हाँ, तो यहाँ पर समझ लीजिए अगर उनको जो क्वालिटी का सामान चाहिए, कच्चा सामान चाहिए, वो अगर नहीं मिलेगा तो उनको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल और पे मोर प्राइस टू गेट अ गुड रॉ मटेरियल. जी हाँ, तो इनको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ सकता है अगर उनको अच्छे क्वालिटी के उनके कच्चे सामान चाहिए तो. फोर चैलेंजेस है लेबर प्रॉब्लम. जी हाँ, तो लेबर प्रॉब्लम मतलब यानी कि जो मैन पावर है उसको लेके भी यहाँ पे दिक्कत होती है. मोस्ट ऑफ द SSI रिक्रूट अनस्किल एंड सेमी स्किल वर्कर ऑन डेली वेजेस. जी हाँ, सो यहाँ पर जो है अनस्किल मतलब यहाँ पे जो अनपढ़ लोग यानी और सेमी स्किल मतलब थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग को ये रिक्रूट करते हैं. क्यों नहीं ये लोग स्किल लोग को रिक्रूट करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं आता है ये सब ये लोग को पे करने के लिए. दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी. Improper shift and lack of job security makes unemployment is SSI unattractive. जी हाँ, तो यहाँ पर जो है SSI को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. तो यहाँ पर जो है मैन पावर को लेकर भी बहुत बड़ा कंसर्न होता है. नेक्स्ट चैलेंजेस है मार्केटिंग प्रॉब्लम. इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर अंडरस्टैंड नीड्स. जी हाँ, सो समझ लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो यहाँ पर अगर जो आप कस्टमर के नीड्स को समझ गए तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे. लेकिन आपने कस्टमर के नीड्स को समझा ही नहीं, कस्टमर को आपसे आपके प्रोडक्ट से क्या चाहिए, क्या सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो उसके थ्रू आप अनसक्सेसफुल रह पाओगे. तो यहाँ पर जो है मार्केटिंग एक अच्छा रोल प्ले करता है. आपने एडवर्टाइजमेंट करा दी, आपने प्रोडक्ट के अवेयरनेस बढ़ा दिए, तो यहाँ पर जो है मार्केटिंग को लेकर भी बहुत बड़ा कंसर्न है. क्योंकि जो 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 SSI होते हैं उनके पास इतनी बड़ी फंडिंग नहीं होती है. SSI have to depend excessively on the middlemen who at the time exploit them by paying low price and delay payment. जी हाँ, तो यहाँ पर जो है जो middlemen होते हैं SSI के लिए, वहाँ पर जो middlemen होते हैं वो लोग क्या करते हैं इसको exploit करते हैं, मतलब इसको परेशान करते हैं SSI को इन टर्म्स ऑफ पेइंग इन टर्म्स ऑफ लो पेमेंट एंड डिले पेमेंट. डिले मतलब पेमेंट मतलब किसी पेमेंट को आगे बढ़ाना, मतलब उसके पेमेंट को रुका के रखना. नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट. जी हाँ, तो आपको मालूम है रूरल एरिया में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी की प्रॉब्लम बहुत होती है. इट इज़ नेसेसरी टू SSI टू स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. जी हाँ, सो समझ लीजिए आपको टाइम से अगर रॉ मटेरियल नहीं मिला, कच्चा सामान नहीं मिला, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है वहाँ पर वो चीज़ का डिले हो सकता है. ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रांसफर रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट टू फैक्ट्री एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू कंज्यूमर. जी हाँ, तो यहाँ पर जो अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बराबर नहीं होगी तो यहाँ पर जो कच्चा सामान है वो फैक्ट्री तक नहीं पहुँच पाएगा और जो फिनिश गुड्स है मतलब जो बना बना सामान है वो आपके कंज्यूमर तक पहुँच नहीं पाएगा. नेक्स्ट चैलेंजेस है लोकल कंपटीशन. जी हाँ, तो यहाँ पर जो है लोकल कंपटीशन मतलब अपने अपने एक रीजन में ही कंपटीशन चालू हो सकता है. SSI फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. जी हाँ, तो जो SSI होते हैं उनके पास इतनी बड़ी फंडिंग नहीं होती कि वो अपने सामान को और ज़्यादा और लार्ज लेवल पर ला सके. नेक्स्ट चैलेंजेस है सिकनेस. सिकनेस के मतलब होता है कमजोरी. एंटरप्रेन्योर कॉजेज ऑफ सिकनेस आर बोथ इंटरनल एक्शन. इंटरनल मतलब होता है विद इन द फैक्ट्री, एक्शन मतलब आउट ऑफ द फैक्ट्री. इंटरनल प्रॉब्लम इंक्लूड्स लैक ऑफ स्किल एंड ट्रेन लेबर, लैक ऑफ मैनेजरियल एंड मार्केटिंग स्किल्स एटसेट्रा. एक्सटर्नल प्रॉब्लम इंक्लूड डिले पेमेंट. जैसे एक्सटर्नल प्रॉब्लम मतलब आउटसाइड द फैक्ट्री, मतलब समझ लीजिए जिस पार्टी को आपने माल बेचा है वो पार्टी आपको लेट पेमेंट कर रही है. शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन एडिक्वेट फाइनेंस एटसेट्रा. जी हाँ, तो यहाँ पर जो है लोन्स की कमी होती है तो आप अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकते हो. एंड लास्ट चैलेंजेस है पावर शॉर्टेज एंड इररेगुलर सप्लाई. जी हाँ, तो समझ लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो यहाँ पर आपका प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता है. हायर कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन, लोड शेडिंग, फ्रीक्वेंट पावर कट, इररेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड राइजिंग पावर चार्जेस
आर बैडली इफेक्ट द प्रोडक्शन। जी दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर लाइट का शॉर्टेज है, लोड शेडिंग है, आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्शन फैसिलिटी पे उसका इफेक्ट हो सकता है। अब मूव ऑन करते हैं लास्ट पार्ट पे, जहाँ पर हम देखेंगे स्टेप्स इन सेटिंग अप SSI। जी दोस्तों, यहाँ पर जो स्टेप्स, मतलब आप कैसे आप अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बना सकते हो, कैसे उसको डेवलप कर सकते हो, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हो, तो चलिए आप हम एक एक स्टेप को पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। जी दोस्तों, बिजनेस एरिया मतलब आपको समझना पड़ेगा कि आपकी एंटिटी किस टाइप की होनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड वेदर वन विशेष टू बी सेटअप अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी। प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप मतलब होता है सिंगल ओनर। एंड पार्टनरशिप मतलब दो से ज़्यादा आदमी आप इन्वॉल्व करके आप कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैज़ टू एनालिसिस हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाइल डिसाइडिंग। जी दोस्तों, स्ट्रेंथ मतलब होती है ताकत, एंड वीकनेस मतलब होती है अपनी कमजोरी, उसको आप समझ के आपको कोई भी बिजनेस एंटिटी सेटअप करनी चाहिए। वाइल डिसाइडिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप करियर इट हेल्प टाइप एंड साइज ऑफ बिजनेस विल बी। जी दोस्तों, आपको समझना होगा कि आपकी बिजनेस की साइज क्या होने वाली है एंड उसको आगे कैसे आगे एक्सपांड करने वाले हो, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये सब चीज़ सेटअप करनी पड़ेगी। सेकेंड स्टेप है स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। जी दोस्तों, आपको बिजनेस के माहौल को समझना होगा, आपके बिजनेस के माहौल को स्टडी करनी पड़ेगी। बिफोर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री इट इज ऑलवेज essential to study and understand the prevailing business environment in which they operate, particularly the industry policy, मतलब आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडस्ट्री पॉलिसी कैसी है। सेकेंड, इकोनॉमी पॉलिसी कैसी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, इन टर्म्स ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेशन कैसे टैक्स रेट है। लीगल एनवायरमेंट मतलब आपके लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब कोई अप्रूवल लेने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट मतलब यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी किस टाइप की काम कर रही है, मतलब कौन से टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, यहाँ पर ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, यानी कि ये सब चीज़ों को स्टडी करनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, आप यहाँ पर आपको समझना होगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज ऑफर करोगे जिसके थ्रू आप अपने लेवल को बढ़ा सको, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सको। वन नीड्स टू डिसाइड द प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर और द सर्विस टू ऑफर। व्हाइल चूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज विच वन वॉन्ट टू ऑफर वन मस्ट कंडक्ट अ गुड मार्केट रिसर्च। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको मार्केट रिसर्च करवाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपके कस्टमर के नीड्स क्या है, आपके कस्टमर को कौन सी सर्विसेज चाहिए, कौन से प्रोडक्ट चाहिए जो उसके लिए यूजफुल हो सके, जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके। एंड लर्न अबाउट द प्रिवेलिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। जी दोस्तों, आपको समझना होगा कि आपके आपके सामने आपके टक्कर में कौन से कॉम्पिटिशन है, कौन से प्लेयर हैं जो आपको टक्कर दे सकते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्लेस। जी दोस्तों, प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब यहाँ पर आपकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर सेटअप होगी, आपकी जो दुकान है, आपके जो बिजनेस है वो कहाँ पर सेटअप होंगे, मतलब उसकी लोकेलिटी क्या होनी चाहिए। वेल चूजिंग द लोकेशन फैक्ट्री सच नियरेस्ट टू मार्केट। जी दोस्तों, आपके जो फैक्ट्री या फिर जो आपके जो बिजनेस प्लेस होनी चाहिए वो नियरेस्ट टू मार्केट होनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एक्सेट्रा, लोकेशन डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द इंडस्ट्री। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके जो लोकेशन है वो बहुत ही मायने करते हैं, यहाँ पर आपका जो बिजनेस का फेलियर या फिर सक्सेस डिसाइड हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। जी दोस्तों, आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी बूम हो रही है, मतलब जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पर आपको उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर सिलेक्शन होगा तभी आपके जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर सकते हैं। टू मैन्युफैक्चर एनी आइटम टेक्नोलॉजी इज यूज, एंटरप्रेनर शुड परचेस इन्फॉर्मेशन। जी दोस्तों, एंटरप्रेनर जो बिजनेसमैन होने वाला है उससे उसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड इट्स सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी मतलब है आपके बिजनेस को कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा जो टेक्नोलॉजी वो सूट कर जाए, मतलब कंपेयर के लिए आप समझ सकते हो। तो सूटेबिलिटी का सर मतलब क्या होता है, सूटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके बिजनेस या फिर आपके इंडस्ट्री को कौन सा बिजनेस सॉफ्टवेयर, कौन सी टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो सकती है। इट विल बी ऑल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन द नीड ऑफ मनी। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके मनी को भी लेके बात की गई है। मटेरियल इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है आप कौन से प्रोडक्ट बना लो, कौन से मशीन आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसके थ्रू भी आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप से बिजनेस प्रपोजल। जी दोस्तों, बिजनेस प्रपोजल मतलब आपका ओवरऑल बिजनेस कैसा होना चाहिए उसको लेके भी बात की गई है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सेटअप एंड एंटरप्राइज। जी दोस्तों, आपको यहाँ पर एक टेक्निक होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। द एंटरप्रेनर हैज़ टू अप्रेज द प्रोजेक्ट केयरफुली फ्रॉम द इकोनॉमिक मतलब पैसे को लेके, फ्रॉम द फाइनेंशियल, फ्रॉम द टेक्निकल मतलब होता है टेक्नोलॉजी को लेके, मार्केट, सोशल एंड मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे तरफ से आपके बिजनेस को सोचना होगा कि मेरे इकोनॉमी हो गए, मेरे सोशल हो गए, मेरे फाइनेंस की तरफ से आपको सारे तरफ से आपके बिजनेस के प्रपोजल को सोचना होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको फ्रेम करना होगा।
नेक्स्ट स्टेप है फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस अगर तो आपको मालूम है बिना पैसे के कोई भी काम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो है फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द एंटरप्राइज, सो द नेक्स्ट बिग स्टेप टू अरेंज द फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको है पैसे को पूरा अरेंज करना पड़ेगा, एंड जिसके थ्रू आप मटेरियल, जिसके थ्रू आप अपने प्लांट एंड मशीन, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी इंडस्ट्री यूनिट सेटअप करनी है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर अथॉरिटी। इट इज़ ऑलवेज वर्थ वाइल टू गेट द यूनिट रजिस्टर विद द गवर्नमेंट, द एंटरप्राइज टू ऑब्टेन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उनको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, द प्रिस्क्राइब अप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो DIC है, सो दोस्तों जो DIC है वो ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन आज के टाइम पे आप अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर आपको आपके MSME लाइसेंस हो गए, आपके शॉप एडमिनिस्ट्रेशन लाइसेंस हो गए, एंड अदर लाइसेंस हो गए जो आपको अप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स है एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है रिसोर्सेज मतलब रॉ होता है, रॉ मटेरियल, आपके लेबर, उसको कैसे अरेंजमेंट करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रोडक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप। फिजिकल रिसोर्सेज लाइक मशीनरी एंड एम्प्लॉइज, अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई एंड स्टाफिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपके जो रिसोर्सेज है वो उसको अवेलेबल कराने पड़ेंगे, यानी कि उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। एंड लास्ट स्टेप है रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चैलेंज चेंजेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपको रिव्यू करना पड़ेगा, रिव्यू मतलब बार बार देखना पड़ेगा कि आपके जो बिजनेस प्लान है वो बराबर काम करेगी नहीं करे, आपके जो मेथड है मेथड ऑफ प्रोडक्शन वो प्रॉपर काम करेगी नहीं, एंड इसको रिव्यू के थ्रू आपको चेंजेस भी करने पड़ेंगे इफ़ रिक्वायर्ड। पीरियोडिकल मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन नॉट ओनली ऑफ द मार्केट बट ऑल्सो द प्रोडक्शन क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी हेल्प इन नोइंग वेयर द फॉर्म। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना होगा कि मेरी फॉर्म कहाँ पर, मेरी बिजनेस कहाँ पर काम कर रहे हैं। इंस्टेंट इन कंपेरिजन टू परफॉर्मेंस इन बिजनेस प्लान, इट ऑल्सो आइडेंटिफाई। जी दोस्तों, ये आइडेंटिफाई करता है किसको, द डायरेक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। जी दोस्तों, अगर आप प्रॉपर रिव्यू करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरी बिजनेस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं एंड किस ग्रोथ पे हो सकता है एंड क्या ग्रोथ हो सकता है बिजनेस को लेके। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा इस चैप्टर का दी एंड होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक कर दीजिए, एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू किसी दूसरे लोगों की हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।